चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं। ठीक है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आज एक थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम क्या है? देखिए, स्टेटमेंट द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले वो देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, फिर उसके अपोजिट एंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो ऑलरेडी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सपोज ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे अगर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, उसके वर्टेक्स क्या होने चाहिए? ऑल फोर वर्टेक्स सर्कल पर अगर है, ठीक है, सपोज ए बी सी डी, सी दिस क्वाड्रिलेटरल्स ऑल वर्टेक्स आर ऑन द सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखना उसके अपोजिट एंगल। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, अपोजिट मतलब आमने सामने, राइट। चलिए एंगल बी, एंगल बी का अपोजिट हो गया एंगल डी। देखिए ये आमने सामने आ रहा है। सो इनका क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। कैसे होंगे? इनके एड, इनका टोटल एंगल प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल डी, देखिए दोनों अपोजिट है, उनका भी टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम ऑफ, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप लोग सोचेंगे कि एंगल ए और सी 180 डिग्री आना चाहिए, नहीं, टोटल 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम, राइट। तो क्या दिया है यहाँ पे? चलिए यहाँ पे है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो गिवन लिखेंगे। हमें पता है कि थ्योरम में पहले क्या लिखते हैं? गिवन से स्टार्ट होता है। सो वी कैन से ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये थ्योरम का सबसे इजी क्या है? गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये सिंबल है क्वाड्रिलेटरल का, राइट। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए अभी हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हमें यहाँ पे टू प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा, क्या है हमें करना है? फर्स्ट वन, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी, देखिए अपोजिट, राइट, मेजर एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सेकेंड, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री, मतलब ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये हो गया देखिए टू प्रूफ, ये है आपका गिवन। सो आई होप दैट आपको गिवन और टू प्रूफ याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रूफ पे। तो इसमें क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन नहीं है, बाकी थ्योरम में हमने देखा था बीपीटी पाइथागोरस एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, बट हियर नो नीड टू डू कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ, राइट। चलिए प्रूफ को समझने के लिए पहले थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हमें लेना होगा, राइट। देखिए एक्चुअली आप लेसन अगर आपका हुआ रहेगा तो इजी रहेगा, लेसन नहीं हुआ है तो टफ लगेगा थोड़ा सा। ये देखिए सर्कल है, आपने स्क्वायर एंगल सुना होगा, राइट। सपोज करता हूं ये देखिए, ऐसे मैंने ये एंगल ले लिया बी ए डी, ये हो गया आपका बी ए डी, राइट। और देखिए सी यहाँ पे है, राइट, पी सी और सी डी ज्वाइंट नहीं है, तो क्या दिख रहा है आपको? बी ए डी एक एंगल दिख रहा है, राइट। ये बी ए डी एक एंगल, देखिए उसके सामने ये आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है, ये आर्क हो गया, बीसीडी एक आर्क हो गया, उसे कौन बना रहा है? ये इनस्क्राइब एंगल बना रहा है, ओके। तो थ्योरम क्या बोलते हैं इनस्क्राइब एंगल? ये जो एंगल होगा इस आर्क का हाफ होगा। सपोज ये 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री। दैट इज कॉल्ड बाय इनस्क्राइब एंगल थ्योरम। बी ए डी इज अ हाफ ऑफ मेजर आर्क बी सी डी, ये हमें यूज करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा एंगल और ये उसके सामने का आर्क, ये आर्क इंटरसेप्टेड हो रहा है, राइट। अब क्या होगा, ये जो एंगल है इस आर्क का हाफ हो जाएगा, जैसे इसमें था वैसे इसमें हो जाएगा। सपोज ये आपका 100 डिग्री का आर्क है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 50 डिग्री। बस ये दो चीज हमें यहाँ पे समझनी है और उसी यूज करके थ्योरम को क्या करना है? कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा तो हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए
अभी देखिए यहाँ पे एक एक लाइन आपको समझना होगा और जिसकी वजह से पूरा थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे भी मैंने बोला हमें क्या देखना है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, देखिए टू प्रूफ में पहला एंगल ए है, तो मुझे एंगल ए और एंगल सी को लेना है, बी और डी को हम नहीं लेंगे, इसको हम डायरेक्टली प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो बी और ए और सी को लेना है, तो ए यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए सिंगल लेटर ये यहाँ पे मैंने यूज किया है, एक्चुअली एंगल बी ए डी ए, राइट। अगर बी ए डी को देखेंगे तो आर का आपका दिखेगा ये वाला, ठीक है, इससे नहीं देखना है, जैसा मैंने बोला था अभी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। सो कैन वी से हियर आर्क, ये देखिए आर्क हो गया, आर्क बी सी डी, आर्क बी सी डी इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल बी ए डी। आप क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब एंगल बी ए डी, ये आपको खाली याद रखना है। यहाँ पे देखिए आर्क बी सी डी और एंगल कौन सा है, बी ए डी, डायग्राम में क्लियर हो रहा है, एस। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे लिखिए मेजर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर, क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये आर्क बी सी डी, बस यही मैंने बोला था, ये जो एंगल इस आर का हाफ होगा, देखिए वहां पर हम लोग लिख रहे हैं बी ए डी इज हाफ ऑफ मेजर आर बी सी डी, इसे देंगे नंबर वन, और यहाँ पे लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसे हम बोलेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, उसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो क्या करना होगा आपको, देखिए इसे आप ज्वाइन करेंगे राइट, और कुछ टाइम के लिए फिर इसे भूल जाएंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एंगल हो गया और आर कौन सा हो गया, ये देखिए आर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए अब यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, जो एंगल था वो आर्क बन गया और जो आर्क था वो एंगल बन गया, तो यहाँ पे भी हमें इंटरचेंज करना है। यहाँ पे आर्क बी सी डी था, अभी क्या है आर्क बी ए डी, मतलब ये आर्क हो जाएगा, तो आपको यही कॉपी करना है, खाली बी सी डी और बी ए डी को चेंज करना है। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपको यहाँ से चेंज करना है, देखिए यहाँ से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आर्क बी सी डी नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बी ए डी, तो यहाँ पे लिखिए बी ए डी, आर्क बी ए डी इज, आप पूरा कॉपी की इज इंटरसेप्टेड, देखिए इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब एंगल, विच एंगल, अभी देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी डी, इवन डायग्राम में भी देखिए ये एंगल बी सी डी हो गया, ये आर हो गया, ठीक है इससे। ओके चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी देखिए चेंज हो जाएगा, बी ए डी और बी सी डी चेंज हो जाएगा, तो आप लिखेंगे देयर फोर मेजर एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी इक्वल्स टू हाफ वन अपॉन टू मेजर आर, आर के यहाँ पे बी सी डी है तो क्या हो जाएगा बी ए डी, देखिए बी ए डी डॉट डॉट, इसे नंबर टू देंगे और यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अभी देखिए हमें ये मिल गया था ये फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे देखिए आपको ये एंगल ए दिख रहा है और यहाँ पे एंगल सी दिख रहा है, ए और सी में क्वेश्चन में क्या दिया प्लस, तो यहाँ से हमें हिंट मिलेगा कि हमें करना क्या है, तो हमें एडिंग करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने का रूल क्या है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में ऐड होगा और राइट साइड का राइट में ऐड होगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, देखिए मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड हो गया, अब राइट का राइट में ऐड होगा, ये पार्ट लिखेंगे हाफ ऑफ मेजर आर्क बी सी डी प्लस हाफ मेजर आर्क क्या आ जाएगा बी ए डी, देखिए बी ए डी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सेम कॉपी हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हाफ को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या अंदर आएगा, देखिए मेजर आर्क
बी सी डी प्लस मेजर आर्क बी ए डी, राइट। अब इसे आपको यहां से देखना है, जस्ट लुक एट दिस पार्ट, मेजर आर्क बी सी डी, मेजर आर्क ये देखिए आर्क बी सी डी और मेजर आर्क बी ए डी, ये पूरा, सो ये कंप्लीट सर्कल हो रहा है, और कंप्लीट सर्कल का मेजर हमें पता है कितना होता है, कितना होता है 360 डिग्री। सो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ इनटू 360 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी, इसे कैंसिल करेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, देखिए। देयरफॉर यू कैन से मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आप इसे बोल सकते हैं दैट इज, हम बोलेंगे दैट इज, अब सिंगल लेटर यूज कर लेते हैं, बी ए डी मीन्स ए, राइट। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने सिंगल लेटर इसलिए यूज किया क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा कि अपोजिट एंगल कौन सा, ए और सी, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी। कभी कभी डायग्राम में आप दिख तो रहा है, आप लिख लेते ए बी सी, तो विच इज रॉन्ग हो जाता है, राइट। अभी हो गया, देखिए आपका ये फर्स्ट प्रूफ हमें मिल गया है, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया, इसे देंगे थर्ड नंबर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड पार्ट ऑफ इट, तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है सेकेंड पार्ट के लिए भी सेम मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव, अदरवाइज व्हाट यू डू, देखिए ये कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस सी प्लस डी, एंगल लिख के 360 आएगा, 360 में ये दोनों की वैल्यू 180 हो जाएगी, और 180 360 माइनस करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉप कर दे रहा हूँ और फिर देखेंगे थ्योरम को, ठीक है। चलिए फिर लास्ट का यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे हम लोग, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो सर्कल के अंदर बना हुआ था, राइट। सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, 360, सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ एंगल्स इक्वल टू 360। चलिए अब इसमें क्या है, देखिए ए और सी, ए और सी दिख रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमें कितना मिला, 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसे 180 कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल बी, क्या बच जाएगा, बी और डी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री, कहाँ से आया, ए और सी की वैल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए हो गया आपका सेकेंड पार्ट वाला प्रूफ, ये मिल गया। देखिए इस तरह से हम बोल सकते कि हेंस प्रूफ क्या हो गया, हमने क्या प्रूफ कर दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पाइथागोरस जैसा इंपॉर्टेंट सर्कल लेसन का, ये वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो इसे आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है।